नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2017 दिल्ली पुलिस के सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस कर रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखते रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्पादन के साथ ना बदलने वाली लागत। इसका मतलब होता है ऊपरी लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डॉस क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में सबसे अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखते हैं कौन कौन से हैं। खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, ये तीनों के तीनों ही उचित मूल्य की दुकान पर, जहाँ राशन की दुकान मिलते हैं, तो उसमें तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है और आंतरिक या विदेशी नीतियाँ बनाने का अधिकार रखता है, तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, राज्य। राज्य सरकार जो है, राज्य एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। रिंगिंग जो है, एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 110। देखिए संविधान के अनुच्छेद से संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को ढंग से देखिए। नेक्स्ट, किस स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निरहित किया जा सकता है? पहला, यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। नेक्स्ट, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता हो। और थर्ड है, यदि वह अनुमुक्त दिवालिया हो। तो इसमें से कौन सी उसके लिए होनी चाहिए संसद का पद सदस्य बनने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तीनों ही आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद का पुराना नाम जो है वो अपने प्रयाग, अभी हाल फिलहाल में प्रयागराज भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा का चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कागजी मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, 1911 में हुआ। कब था? 1905 में। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ढाका, बंगाल, बांग्लादेश में। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदू धर्म के अंदर। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और कितने के बीच में फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, ईस्ट में है अपने 97 डिग्री से 25 मिनट, ये इसकी अपने
भारत की मुख्य भूमि की लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर में कौन से देश के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है, जबकि चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थल हिमालय का हिस्सा किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। इसमें है असम। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में किसका वर्चस्व रहा, वर्चस्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोआबों का। नेक्स्ट, किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई किस धरोहर के लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई जो है, ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, एक विद्युत रूप हीटर की कुंडली कॉइल को क्या कहा जाता है? तो विद्युत हीटर की जो रूम हीटर की कुंडली होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, एलिमेंट। फिलामेंट जो तंतु होता है वो क्या, किसको कहा जाते हैं? जो बल्ब के अंदर लगा होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो गिटार के तार में जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को बिल्कुल देख नहीं सकते या स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो पारदर्शी जो होती है उसमें हो गया अपन क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? पेचिस तथा मलेरिया जैसी तो जो बीमारियां होती हैं वो एक कोशीय प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की जो प्रक्रिया है इसका आंसर हो जाएगा प्रश्वसन। क्या हो जाएगा? प्रश्वसन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? जल में। निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? ईंधन, वायु, गर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2, 3, तीनों ही आवश्यकताएं जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूजल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूजल। नेक्स्ट, लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों की ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंदवा या कैनोपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय जीवन बीमा, LIC। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। किसने दी है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, किस मौलिक भौतिक मात्रा की SI इकाई को 2019 में प्लैंक स्थिरांक के निधि द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान का। 19 अक्टूबर 2017 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सिरिस बोना ग्रह पर ड्रोन अभियान के दूसरे विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नासा ने। नेक्स्ट, किस बाहर वर्ग प्रोग्राम में MC मेरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 48 ग्राम। नेक्स्ट, 2017 बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लुइस हैमिल्टन जो है इसके विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में भारत अपने किस पड़ोसी देश में एक महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सुधार में मदद करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सुरक्षा नाम का एक प्रतिभाशाली अपतटीय गश्ती पोत भेंट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, श्रीलंका को। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को किस देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री पर 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाई एम देवस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 तक 6% विकास दर के साथ भारत कौन से देश को एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार के रूप में पीछे छोड़ देगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीति साझेदारी की कौन सी वर्षगांठ समारोह के दौरान 7 अक्टूबर 2017 को डरबन में ग्रॉस रूट्स इनोवेशन पर गांधी मंडेला कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 20वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग पर भारत आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो स्थानों के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप में पहली विद्युत बस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुल्लू मनाली एवं रोहतांग पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2017 में तटीय कटाव के कारण लक्षद्वीप का कौन सा जैव विविधता समृद्ध निर्जन द्वीप सीम समूह लुप्त हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, पराली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के उल्लेखनीय संगीतकार डॉक्टर एम एस सुब्बू लक्ष्मी के 101वें जन्मदिन समारोह पर किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर दो, 100 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2017 को वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उर्जित पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में स्पेन के किस क्षेत्र के स्वराज को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि क्षेत्र के नेता ने स्वतंत्रता घोषित करने की धमकी दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैटालोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण सभ्या सत्र मित्र शक्ति 2017 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुणे में। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त तो हो सके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2017 के दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिनमें जीके जीएस के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है? तो इसका आपने आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटकर व्यापार पर सामान्य समझौते को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? पंजाब,
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडार किस भंडार भारत के खाद्य निगम FCI के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बफर भंडार जो है भारत के खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोकतांत्रिक राज्य, कुलीनतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना। क्या कहलाता है? प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्द और शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कौन कौन से, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये जो तीनों ही हैं ये अपने भारत के संविधान के प्रस्तावना में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, मौलिक अधिकार न्याय संगत है, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, भारत में तीन तरह के आपात हैं, अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है ये इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट, प्राय प्राचीन भारत में उपज का 1/6 वह हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग। क्या कहा जाता? भाग कहा जाता था। नेक्स्ट, मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? कौन थे? तो दो जो शक्तिशाली शासक, पहला बिंबिसार, अजातशत्रु भास्कर, इन दोनों में से कौन से दो थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड, बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे ये दोनों शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1930 में। क्या हुआ था? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्पित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यापारियों द्वारा समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश राजकुमार थे जो कि एक संघ का समूह था, तो कौन से संघ का समूह था ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, वज्र समूह का संघ का समूह था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी नदी, जिस लंबी झील की बात करते हैं हो जाएगा बेमनोट झील, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा किस हिमालय के बीच रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुमाऊ हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच। नेक्स्ट, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, भागीरथी। क्या है? भागीरथी नदी। नेक्स्ट, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विशाखापट्टनम एवं चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अतिचालक जो है उसका प्रतिरोध शून्य माना जाता है, कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है, चालकता अनंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक घुन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम गलनांक। फ्यूज क्या है? यानी जैसे सर्किट में अधिक विद्युत प्रवाह होगा
तो उससे फ्यूज़ गर्म होकर के, कम गलनांक रहेगा तो गर्म होकर के पिघल जाएगा, वहाँ से सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, यानी जो विद्युत है वो आगे नहीं जाएगी, जिससे आपके घरेलू उपकरणों को नुकसान होने का, जलने का खतरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सफ़ेद। नेक्स्ट, पराग को परागकोष से उसी फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको आंसर हो जाएगा स्वपरागण। क्या हो जाएगा? सॉरी, परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने 25वां, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, वंशाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है, किस प्रकार के साथ में जलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4, सफ़ेद प्रकाश के साथ में, सफ़ेद लौ के साथ जलता है मैग्नीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, उदासीनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा उसका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक क्रिया जो होती है केमिकल रिएक्शन की, उसकी दर को बढ़ाता है या कम करता है, जबकि खुद उस क्रिया में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों और जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमस की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश से पोषक तत्व स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य के सभी कर्मचारियों स्कूलों में हमारी शाला कैसी हो तथा शाला सिद्धि कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर वो कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की अब तक की सबसे दर्ज की गई सबसे प्राचीन A1689B11 नामक आकाशगंगा की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुंडलित आकाशगंगा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RNA संपादन के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य A2I प्रतिस्थापन इसका मुकाबला करने के लिए एक जीन संपादन उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिक रोगों का मुकाबला करने के लिए यह जीन संपादन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना समग्र एशिया कप खिताब जीतने के लिए पुरुषों की 2017 एशिया कप हॉकी खिताब में मलेशिया को हराया था, तो कौन से एशिया कप खिताब जीतने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2, तीसरा एशिया कप जीतने के लिए। नेक्स्ट, 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह जुलाई 2017 को निम्नलिखित में से किस पर भारत तथा चीन ने विश्व व्यापार संगठन में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहायता का समग्र मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अक्टूबर 2017 को भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश के लिए गेहूं का लदान भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जावेद अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, 2017 में डिस्कवरी एजुकेशन 3M युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने 1, गीतांजलि राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन अपने मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत इनिशियल कॉइन ऑफरिंग लाने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड से भी जो है इसकी योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड थर्नटन इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट
2017 के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत बिजनेस इंडेक्स में किस स्थान पर खिसक गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, सातवा। कौन से स्थान पर हो गया? सातवें स्थान पर खिसक गया है। क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2017 को भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, व्यापार और रेलवे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इटली के साथ। 5 अक्टूबर 2017 को इथियोपिया ने किस शहर में भारत व्यापार मंच की 12वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एक व्यापार वार्ता का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्द्र भूमि के नियमों का किस वर्ष का संस्करण 26 सितंबर 2017 को अधिसूचित नए आर्द्र भूमि नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2017 का जो नियम है उसको 2010 के नियम को 2017 के नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलानुआ वार्ता 3 प्रमुख प्रश्नों के आसपास संचरित है, कौन सा 3 प्रश्नों में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या किए जाने की आवश्यकता है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम कहाँ वहाँ कैसे लाइन जाएंगे, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अक्षय कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टॉक कांगड़ी चढ़ने वाली सबसे कम आयु के भारतीय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काम्या कार्तिकेयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 2017 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC को छोड़ने वाला पहला देश बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में किस देश का पासपोर्ट 159 देश के वीजा मुक्त स्कोर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिंगापुर का जो वीजा है वो सबसे शक्तिशाली बन गया है। तो ये थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए। आप और वीडियो बाकी चैप्टरों के क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से अन्य नेक्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा।